अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज जो है ना, पुराने गमलों को नए से बनाना हम आपको सिखाएंगे। तो ये मेरी गैलरी है और इसमें दो गमले जो है ना पुराने हो गए थे और इसमें कोई पौधे भी नहीं आ रहे थे, बिल्कुल ये डेजर्ट बन चुके थे। जैसे डेजर्ट में होता है ना, मट्टी मट्टी और पौधे नहीं आते, तो ये जो मेरे गमले हैं ये ऐसे हो गए थे। तो इसको नए सिरे से पौधे उगाने के लिए हमें चाहिए पुराने आलू। जो पुराने आलू हो जाते हैं उसमें से पौधे निकलने लग जाते हैं, तो उनको फेंकें नहीं, इनको ज़ाया नहीं करें। तो ये आपके पुराने पौधों को बिल्कुल नया बना देंगे। और एक जार में पानी चाहिए और एक चम्मच चाहिए। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपने जो है, जो आपका पुराना पॉट है, जो जिसे पौधे नहीं आ रहे, उसमें आपने गड्ढा करना है चम्मच की मदद से। हाथ गंदे नहीं करें ज़्यादा, तो ज़्यादा अच्छा है। तो चम्मच की मदद से बीच में गड्ढा कर लें और इसमें डाल दें बीच में आलू। और आलू को इतना कवर करना है कि मिट्टी जो है वो ऊपर है और आलू जो है वो नीचे रहे। तो भाई आलू के चालू मियाँ जो है हमारे पॉट के अंदर चले गए। और ऊपर से मिट्टी हमने प्लेन कर देनी है और आलूओं को ढक देना है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी ताकि मिट्टी जो है हमारी थोड़ी सी गीली रहे और जल्दी से हमारा पौधा उग सके, क्योंकि मिट्टी को जो है वो पानी चाहिए होता है कोई भी चीज़ ग्रो करने के लिए। तो यहाँ पर हमने पानी डाल दिया है और ये हमारा एक जो गमला है वो डन हो चुका है। तो इसी तरह से हम सेकंड गमले को भी कर लेंगे। तो ये वाला गमला जो है ना तकरीबन हमारा डन हो चुका है। अब हम इसको रख देंगे सनलाइट में। तो भाई अब हम ले आए दूसरा गमला। अब दूसरे गमले में भी हमें सेम यही करना है। बीच में से मिट्टी हमें खोदनी है, डिगिंग करनी है, और पहले पुराने जो उसमें पत्ते वगैरह हैं, जो लकड़ियाँ हैं, वो हटा लेंगे। उसके बाद आपने बीच सेंटर में डिगिंग करनी है इसके, और उसमें आपने डालना है पुराना आलू जो यूज़ में नहीं होता, जिसमें से पौधे निकल जाते हैं। तो भाई आपने इस तरह से डिगिंग करनी है, गड्ढा करना है बीच में, और इतना गड्ढा करना है कि आलू जो है ना वो बीच में छुप जाए मिट्टी के। तो ये हो रहा है हमारा गड्ढा। और अब हम इसके बीच में जो है वो आलू डालेंगे और फिर ऊपर से मिट्टी को कवर कर देंगे, फिर पानी डालेंगे और गमलों को रख देंगे। तो एक दो दिन में इसमें से आपके पौधे निकलने शुरू हो जाएंगे और एक बड़ा अच्छा पौधा आपका इसमें से निकल जाएगा। और इस तरह आप पुराने गमले को नया गमला बना सकते हैं, उसको फेंकें नहीं। इसमें आप चाहें तो पेंटिंग भी कर सकते हैं। इसमें आप अच्छी सी कलरफुल सी पेंटिंग करके इसको बिल्कुल नए सिरे से न्यू गमला बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखें अहमद जो है ना वो आलू छुपा रहा है मिट्टी के अंदर। ऐसा लग रहा है ख़जाना छुपा रहा है, 10 करोड़ का बैग मिट्टी के अंदर छुपा रहा है। और ये हमें गड्ढा करके ढूंढना है कि इसको 10 करोड़ का बैग मिलता है। इसमें आपने पानी डाल देना है और इस गमले को जो है ना हम 3 दिन के लिए सनलाइट में रख देंगे। फिर 3 दिन के बाद मैं आपको ये दोबारा वीडियो बना के दिखाऊंगी कि जो हमने गमले में आलू डाले थे उस पर पौधे कैसे निकलने शुरू हुए। तो जी ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है दूसरे गमले का भी। इसमें हमने पानी भी डाल दिया है और अच्छे से इसको गीला कर रहे हैं अहमद मिट्टी से, पानी से, ताकि जल्दी जल्दी से इसमें से पौधे निकलना शुरू हो जाए, ग्रीनरी हरा भरा सब हमारी गैलरी हो जाए। तो ये देखें कितनी फिनिशिंग से इसने मिट्टी को प्लेन कर रहा है। और ये देखें हमारा पौधा डन हो चुका है।